क्या हुआ आपको? What happened with you? क्या हुआ आपके साथ? Confused ना? आपने अक्सर लोगों को what happened to you and what happened with you में confused होते देखा होगा। लोग अक्सर ये चीज भूल जाते हैं कि कहां पर what happened के साथ to का यूज करना है, किस सिचुएशन में what happened के साथ to का यूज करना है और किस सिचुएशन में what happened के साथ with का यूज करना है। आज इस वीडियो में मैं पूरा अच्छे से क्लियर कर दूंगी कि कहां पे व्हाट हैपेंड के साथ हम टू का यूज करेंगे और कहां पे व्हाट हैपेंड के साथ हम विद का यूज करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, व्हाट हैपेंड टू यू का यूज हम वहां करते हैं जहां पे किसी के साथ कोई फिजिकल प्रॉब्लम हुई हो। फिजिकल मतलब कोई शारीरिक समस्या, शारीरिक रूप से अगर किसी को कोई कष्ट है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कहीं ना कहीं दर्द है, किसी तरह की ठेस पहुंची है, वहां पर हम यूज करेंगे व्हाट हैपेंड टू यू। मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। मान लीजिए, जस्ट अज्यूम, मान लीजिए एक टीचर क्लास ले रही है, क्लास में स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते एक स्टूडेंट को प्यास लगती है। वो अपनी सीट से उठता है टीचर से परमिशन लेने के लिए कि क्या वो पानी पीने जा सकता है, और जैसे वो टीचर के पास आता है तो वो लंगड़ाता हुआ यानी कि लिंपिंग करता हुआ टीचर के पास आता है। टीचर की नजर जैसे ही उस पर पड़ती है, टीचर समझ जाती है कि क्योंकि ये स्टूडेंट लंगड़ा रहा है, इसके पैर में या तो चोट लगी है, या इसके पैर में दर्द है, या इसका पैर किसी चीज से टकराया है, या कुछ ना कुछ इसके साथ फिजिकली हुआ है, शारीरिक रूप से कोई ना कोई इसके साथ कोई प्रॉब्लम है, तभी ये लंगड़ा रहा है। तो टीचर एकदम उसको देखते ही पूछती है, हे, व्हाई आर यू लिंपिंग, व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाट हैपेंड टू यू। यहाँ पे हम व्हाट हैपेंड टू यू का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि फिजिकल प्रॉब्लम है, उसके पैर में चोट लगी है, तभी वो बच्चा लंगड़ा कर चल रहा है। आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। कई बार क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा एक्सरसाइज करते हैं लोग तो उनकी कमर में दर्द हो जाता है। एक्सरसाइज करने में वो ठीक से एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं जिससे उनकी कमर में दर्द हो जाता है, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर जब वो कमर पे ऐसे ऐसे हाथ इस तरह से एक्शंस कर रहे होते हैं कमर पे हाथ रख के, तो डॉक्टर जब वो कंसल्ट करते हैं डॉक्टर को, तो डॉक्टर उनको देखते हैं, क्या कहते हैं, व्हाट हैपेंड टू यू, क्या हुआ है आपको। क्यों? क्योंकि डॉक्टर को पता है कि अगर वो कमर में ऐसे ऐसे प्रेस कर रहे हैं, अपनी कमर को, अपनी बैक को ऐसे ऐसे प्रेस कर रहे हैं, तो इट मींस कोई ना कोई फिजिकल प्रॉब्लम हुई है, उनके शारीरिक रूप से कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। तो इस सिचुएशन में हम यूज करते हैं व्हाट हैपेंड टू यू। अगर किसी को हेडेक हो रहा है, अगर किसी को स्टमक एक हो रहा है, किसी को फीवर है, भगवान ना करे किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे प्लास्टर लग जाता है हाथ पे, पैर पे, कोई भी किसी भी तरह की फिजिकल प्रॉब्लम यानी कि हमारी शारीरिक रूप से कोई प्रॉब्लम होती है जहां पर, वहां पर हम यूज करते हैं व्हाट हैपेंड टू यू। आप बात करते हैं व्हाट हैपेंड विद यू। व्हाट हैपेंड विद यू का यूज हम वहां करते हैं जहां पे मानसिक प्रॉब्लम होती है। मानसिक यानी कि ब्रेन से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड, डिप्रेशन, टेंशन, वरीनेस, एंजाइटी, जहां पे ऐसी चीजें होती है वहां पर हम यूज करते हैं व्हाट हैपेंड विद यू, यानी कि मेंटली प्रॉब्लम। इसका भी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल देकर आपको समझाती हूँ। क्या होता है, आपने देखा जैसे आजकल कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, और इस कोरोना वायरस की वजह से कितना टाइम लॉकडाउन रहा जिससे लोगों के काम में, बिजनेस में, जॉब्स में बहुत इफेक्ट पड़ा। अब काम ना चलने की वजह से जाहिर सी बात है लोग बहुत परेशान है, डिप्रेशन में है, उनको नींद नहीं आ रही, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो गए हैं। तो कई बार क्या होता है, लोगों को नींद नहीं आती तो टेंशन हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है। डिप्रेशन जब किसी को हो जाता है वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड मतलब चिड़चिड़ा जाता है। तो किसी को अगर डिप्रेशन हो गया है, किसी को बहुत टेंशन हो गई है, कोई बहुत वरी कर रहा है, बहुत चिंता कर रहा है, तो उस सिचुएशन में हम पूछते हैं, हे, व्हाट हैपेंड विद यू। मान लो फॉर एग्जांपल क्या होता है, अब आप जैसे आपको मैंने बताया कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस की वजह से लोगों का बिजनेस बिल्कुल बंद है, लोगों को स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो गए हैं, उनको नींद आनी बिल्कुल खत्म हो गई है, जिससे क्या होता है कई बार शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो जाती है, लोगों की याददाश्त चली जाती है। क्यों? क्योंकि ना सोने की वजह से एक हमारा ब्रेन अफेक्ट करता है, लोगों का टेंशन बढ़ती है, बढ़ती जाती है, जिससे क्या होता है स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो जाती है, और इससे क्या होता है लोगों के ब्रेन में इफेक्ट पड़ जाता है, उनको याददाश्त चली जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताती हूँ, इट इज जस्ट एन एग्जांपल, आपको एक एग्जांपल एक्सप्लेन करके बताती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक दोस्त अपने किसी परिचित से मिलने हॉस्पिटल में गया, वहां पर उस जिस कमरे में वो दोस्त एडमिट था, उसका परिचित एडमिट था, वहां पर वो गया तो उसने देखा उसके साथ वाले कमरे से बहुत शोर आ रहा है, बहुत आवाजें आ रही हैं। वो बाहर निकला देखने के लिए कि क्या बात है, क्यों इतनी आवाजें आ रही हैं।
बाहर निकल के पता चला एक आंटी रो रही है। उसने आंटी से पूछा, क्या हुआ आंटी, आप क्यों रो रहे हो? पूछने पर पता चला कि उनके बेटे का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, जिससे वो अपनी याददाश्त खो चुका है। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, ये एक एग्जांपल है, जिससे वो अपनी याददाश्त खो चुका है और अब वो अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर रहा है। तो इस सिचुएशन में वो क्या कहते हैं, ओ माय गॉड, व्हाट हैपेंड विद हिम, क्या हो गया उसके साथ, विद हिम। जब कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो भी ब्रेन से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड, वहां पे हम यूज करते हैं व्हाट हैपेंड विद हिम, क्या हो गया उसके साथ। फिजिकल प्रॉब्लम में हम यूज करते हैं व्हाट हैपेंड टू हिम, एंड ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है जब, यानी कि जब माइंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, मानसिक परेशानी होती है इंसान को, जब वो टेंशन में होता है, तनाव में होता है, चिंता में होता है, तब हम यूज करते हैं व्हाट हैपेंड विद हिम। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो टू गेट सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस, यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, लेट्स मीट वेरी सून, बाय बाय।